देवर तुम? हाँ, हाँ, क्या बात है देवर विक्रम, आज बड़े छो से में लग रहे हो। हाँ छो में हूँ। क्यों? तुम्हारी छो का कारण मैं जान सकती हूँ। तू जान भी है, गुस्से में क्यों हूँ? तू जान भी रही है और समझ भी रही है। समझ रही हूँ? हाँ। समझ तो मैं कुछ नहीं रही, पर इतना जरूर समझ रही हूँ कि तेरे स्कूल की छुट्टी तो 5 बजे होती थी। आज तो संडे है। संडे है, संडे है, संडे है तो क्या हुआ? संडे है तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग जाती हैं भाई। अच्छा ये बता, आज तू 2 बजे कैसे आ गया? ट्यूशन नहीं गया? न्यू आ गया। क्यों? तेरे महल में कौन है? जो मेरा भाई तो राज में घिरा हुआ है। मेरे महल में कुछ नहीं, बस यू गंजा है जो बीच में बैठा है। तेरे महल में? हाँ। पागल, पागल मेरे महल में नहीं है कोई भी। और मेरे महल में मेरे सिवा और मेरी दासियों के सिवा कौन होगा पागल? कोई नहीं है। कोई नहीं है तब और तेरे जो सूट की जो सरबटे बता रही हैं। क्या सरबटे बता रही हैं? इनमें कुछ बदलाव हुआ है पागल। मैं सो रही थी, मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मेरे सूट में सरबटे आ रही। सरबटे आ गई तो बता। सुन, ये बैरन चेत बेड की जो चादर है, जो बेड की जो चादर है, ये भी सुकड़ी हुई है। तू बावली बात मत ना करे, तेरी मैं बड़ी भाभी हूँ, बड़ी भाभी माँ के समान होती है, तू मुझ पे शक कर रहा है? शक नहीं तो बिल्कुल नहीं देवर। हो पिंगला भाभी, एक बात बता। सुन, हो भाभी। सुन, तूने मुझे तो बता दिया। हाँ, हाँ, कि तेरी सूट की सरवटे हो रही हैं, ये चादर की सरवटे हो रही हैं। हाँ, तूने बता, तू या किस छोरी पे कटवा लिया है? यो भी राज की बात है। किसने काट दिया तेरे यू? यो भी राज की बात है। राज की बात खोल के जाइए। हाँ, कह दे। सुन, सुना। हो पिंगला भाभी एक बेबो कौन तेरी सेज पे चढ़ा। हाँ। तू खामखा की बात मत ना करे। सही कह रहा हूँ। सुन ले, खामखा क्यों विक्रम तेरे वहम सा बड़ा। ओहे। मेरी बात सुन ले, कह दे अपनी बात, कह दे ये फालतू की बातें नहीं क्या करते। सुन, हाँ। हो पिंगला भाभी एक में बोल कौन तेरी सेज पे चढ़ा। हो पिंगला भाभी एक में बोल कौन तेरी अरे सेज पे चढ़ा। खामा खा क्यों विक्रम तेरे, खामा खा क्यों विक्रम तेरे।
विक्रम कहिए भाभी, मुझे ऐसा लगा है कैसा कि तू आज कोई दारू वारू पी के आया है। बिल्कुल नहीं, ये बहकी बहकी बातें कर रहा है पागल। बड़ी भाभी माँ समान होती है, होती है, आंटी होती है ना, माँ के समान होती है और इसे शर्म नहीं आती अपनी माँ जैसी भाभी पे शक कर रहा है। अरे शर्म तुझे आनी चाहिए थी। सुने देखे, सारी मेरी सखी सहेली है, मेरी दासी है, मेरी नौकरानी है, हाँ। इनसे पूछ मेरे मेरे महल में मेरे अलावा और मेरी दासी के अलावा कोई नहीं था, कोई नहीं था। तू कर रहा है बेकार की फालतू। देख सुन, जो तेरे दरवाजे हैं, दरवाजे गेट गेट, इनमें जो सुराख है, सुराख उनमें सांप नजर आ रहा था के? तू क्या कर रही थी? एक बार बता, तू तू स्कूल विस्कूल पढ़ने ना जाता, तू तो सबकी लुका छुपी देखे है। तेरी देखूं बस। अच्छा हाँ? देखा क्योंकि मेरे महल में मेरे अलावा भी कोई और था, था। और वो कोई लेने पे। वो कोई और नहीं, कोतवाल था, कोतवाल कोतवाल। पर देख तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पायाम पड़ती हूँ कि देख इस बात का जिक्र तेरे और मेरे ही बीच में रहना चाहिए। अच्छा, तेरे बड़े भाई को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। तेरी इसके बदले चाहे तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे वो लाके दे दूंगी। अगर तू कहेगा तो तुझे 56 प्रकार के भोजन बना के खिलाऊंगी। अच्छा, जब ही जान जायदाद तेरे नाम करवा दूंगी। अच्छा, और कुछ नहीं तो देख जैसे रूबी बैठी है ना, हाँ। ऐसी मलुक सी छोरी से तेरा ब्याह भी करवा दूंगी। इस ते आके भी अभी और बता कुछ क्या भाभी, तुम्हें वो कौन तेरी सेज
कहिए प्रेमी सजनों। हाँ, कहते हैं कि प्यार किया तो कर डरना क्या, अरे प्यार किया है कोई चोरी नहीं करी। हाँ, सुन मेरी बात, और जो तूने देखा सुना सच सुना, क्योंकि कहते हैं वो मेरा यार, मेरा प्यार, मेरा दिलदार, वो और को नहीं, वो कोतवाल था, कोतवाल। हाँ, और सुन सुन मेरी बात। हाँ, तेरे से बहुत देर हो गई, तेरे से मैं बोल रही हूँ। हाँ, अपने भाई के बारे में जिक्र मत करिए, और तुझे नहीं है फिर भी बोलेगा तू। हाँ, बोलेगा अपने भाई, तुझे बताऊंगा, बोलेगा, बताऊंगा सारी बात, बतावेगा सारी बात। तो सुन मेरी बात। हाँ, जब नहीं मानता तो ठीक है, ठीक है, तू अभी जाके अपने भाई से बता दे। हाँ, और तू और तेरा भाई दोनों मिले मिलके मेरी पूछ पढ़ ली। कैसा जादू किया